देखे, मैं आपको अक्सर कहता हूं, जिस तरह बनू उमैया अपने आप को हजरत उस्माने गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह तआला के पीछे छुपाती है ना, ताकि हमारे करतूत छुप जाए, इन दो बड़ी पर्सनैलिटीज जिनका हम भी एहतराम करते हैं। इस तरह ये लोग इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को खुद से बाबा कहते हैं और फिर कहते हैं किताबें भी तो बाबों ने लिखी थी ना। और सरकार हम तो तुम्हारे बाबों की बात कर रहे हैं, चिश्ती रसूलुल्लाह बाबा, लिवाई आजम उमिल लिवाई मोहम्मद वाला बाबा, साहब और शुक्र के कॉन्टेक्स्ट में अंबिया की तौहीन करने वाले बाबे, इनको बाबा क्यों कह रहे हो? ये अगर बाबे होते तो इनकी किताबें हमने यहां रखी होती। इन बाबों को हम भी मानते हैं, हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं, जो अपने नबी के गद्दार हैं उन बाबों को नहीं मानते। इनके पीछे क्यों छुप रहे हो? मुझे बताया, क्या अबू लहब को रसूलुल्लाह के पीछे छुपाया जा सकता है हाशमी कह के? नहीं। इसी तरीके से बनू उमैया को हजरत उस्मान और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिस्सलाम के पीछे नहीं छुपा सकते। और इसी तरीके से इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिज़ी, इमाम दाऊद रहिमहुल्लाह अजमईन व रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिस्सलाम अजमईन, इनके पीछे तुम अपने बाबों को नहीं छुपा सकते जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए, जिन्होंने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां की और अपनी तालीमात जारी की। को बात करने वाली करो।